सबको नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर रंजीत झा है। मेरे एक मित्र हैं शहाबुद्दीन जी, इन्होंने मुझे बताया था कि सर मेरी वाइफ को गॉलब्लैडर में स्टोन हो गया है, तो इन्होंने रिपोर्ट्स वगैरह भी दिखाए थे, रिपोर्ट्स भी दिखा देंगे लास्ट में। 16 mm का था, तो मैंने कहा बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक हो जाएंगी। डॉक्टरों ने ये बताया था कि पित्त की थैली का ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने कहा कुछ पेशेंस रखिए, मेडिसिन चलाइए, लगभग 3-4 महीने हुए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। एक नहीं दो रिपोर्ट सर ने कराया है, तो बाकी विशेष सर बताएंगे। जी सर, वाइफ को ना 16 mm की पथरी हो गई थी, तो हमने कई जगह दिखाया तो डॉक्टर बोले इसका ऑपरेशन के अलावा कोई और उपाय नहीं है। फिर हमारे ये डॉक्टर साहब हैं, हम इनसे मिले तो उन्होंने बताया कि घबराने कोई बात नहीं है, आप हमारी दवाई खाइए, इससे जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो हमने ये दवाई खाई लगभग 2.5-3 महीने, तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने दो एक्सरे कराए, हम पहले एक्सरे कराया, हमें लगा एक्सरे गलत हुआ है, तो हमने दोबारा एक्सरे कराया तो उसमें भी बिल्कुल नील आया है, इसलिए हम क्या धन्यवाद करते हैं। क्या क्या दवाई आपने चलाई? दवाई हमारी ये रखी है, ये दवाई चली थी, एक दवाई ये इमोरिज और ये डिटॉक्सिफाई, ये डिटॉक्सिफाइड और ये ओमेगा रिच, ये ओमेगा रिच और स्टार्टिंग में कैलरीज डिटोमैक्स भी चला थे, स्टार्टिंग में ये भी चला। और तो, इसके तो आप किस तरह से मतलब इससे संतुष्ट हैं? जी हम पूरी तरह संतुष्ट हैं इससे, और भी लोगों को कहेंगे कि आप भी दवाई लीजिए और अपना इलाज सही से कराइए। धन्यवाद सर। और एक नहीं, इन्होंने जब पॉजिटिव रिजल्ट आया तो स्टार्टिंग में जब डॉक्टर बड़े बड़े डिग्री वाले डॉक्टर कहते हैं कि अब ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आम आदमी तो बिल्कुल डर ही जाएगा। तो इन्होंने एक नहीं दो बार इन्होंने टेस्ट कराया लैब में जा करके, तो लेबोरेटरी में पता चला कि बिल्कुल जीरो है। दिखा दीजिए मुझे इनका पहला टेस्ट ये हुआ था, स्टार्टिंग में जिसमें इंडिकेटेड है, नहीं ये नहीं है, दूसरा वाला है ये फर्स्ट टाइम। हाँ ये 16 mm दिखाया जा रहा है यार, उसके बाद फिर ये सेकंड आया, और इन्होंने थर्ड रिपोर्ट भी दिखाया कि है सही बात है क्या सही है, थर्ड रिपोर्ट में भी ये रिजल्ट है। और अभी साथ में मैं ये भी सलाह दिया हूँ सर को कि देखिए ठीक तो हो गई है, लेकिन जो स्टोन ने स्पेस बनाया था, गड्ढा किया था उस गॉलब्लैडर के अंदर, उसको ठीक करने के लिए अपने पास हेमोरेज जिसमें फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है, तो वो जो गड्ढा है उसको भरने का काम करेगा। इसीलिए इस दवाई को कम से कम जिनको भी स्टोन हो 6-8 महीने, यहाँ तक कि 1 साल तक भी अगर देना पड़े तब भी ये बिल्कुल फ्री ही समझ लीजिए, तो 1 साल तक सर कंटिन्यू इसको करना है, कारण कि इन फ्यूचर में कोई समस्या ही नहीं आएगी। और जिनको गॉलब्लैडर में स्टोन होता है या कहीं भी बॉडी में स्टोन होता है, इसका मतलब बॉडी में सिस्ट भी है, इसका मतलब कि आपका फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर को रिमूव करने के लिए अपने पास ये ब्रह्मास्त्र है, इसका अगर सेवन करेंगे तो निश्चित रूप से आउटपुट अच्छा आएगा। ये तो 16 mm का है, मैंने तो 54 mm का भी निकाला है, तो उसका श्रेय सिर्फ इसको जाता है। और कंपनी के जो डॉक्टर रमेश पाटिल सर हैं, CMD हैं, उन्होंने ऐसा अमृत ब्रह्मास्त्र बनाया है, धनवंतरी जैसे आयुर्वेदा में इम्यूरिच डिटॉक्सिफाई ओमेगा रिच ऐसे ऐसे, ये प्रकृति का आशीर्वाद है, ये प्रकृति का वरदान है। ये प्रोडक्ट का सेवन करते दूर तक कोई समस्या नहीं आती है, लीवर में अगर दिक्कत होगा निश्चित रूप से बहुत प्रॉब्लम आएगी, मल्टीपल ऑप्शन मल्टीपल प्रॉब्लम आएगा, इससे दूर रहने के लिए बचने के लिए इनका सेवन करें और फिट रहें।